भरतपुर के गोपालगढ़ मोहल्ले में नकुल लवानिया की हत्या के आरोपी कृष्णा हत्यानी और एक अन्य नाबालिग आरोपी ने बुधवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, माफ कीजिएगा, जिस पर पुलिस ने कृष्णा हत्यानी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाबालिग आरोपी को निरुद्ध किया गया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। आपको बता दें, गोपालगढ़ मोहल्ले में नकुल लवानिया की हत्या 28 फरवरी को कर दी गई थी। मथुरा गेट में फायरिंग हुई थी, जिसमें एक नौजवान था नकुल, उसकी मृत्यु हुई थी गोली लगने से सर में। उसके बाद रात को उसको आगरा ले गए थे और आगरा में SN मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसका देहांत हो गया। उसका पोस्टमार्टम कराया गया, दूसरे दिन दाह संस्कार हुआ। उसके अगले दिन उसके पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने 3-4 व्यक्ति को नामजद किया था, जिसमें हमने एक कृष्णा हथेनी का रहने वाला और उसके साथ एक नाबालिग है, जिसको निरुद्ध किया।